بسم الله الرحمن الرحيم by mouth-watering juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. वेलकम बैक टू द पार्ट टू ऑफ दिस प्रोग्राम. ज़ीशान मर्चेंट इकोनॉमिक व्यूज़ में हमारे साथ माहीन है. माहीन एक हाउसवाइफ हैं और इकोनॉमिक जो है ख़ास तौर पे इस रमज़ान के महीने में जो प्राइस हाइक है उससे बहुत परेशान हैं. वो ये कहती हैं कि हम कितना क्वांटिटी कम कर दें, क्या हम चीज़ें लेना बंद कर दें, क्या इस महीने में हम जो है खाना बनाना बंद कर दें, क्या हम क्या ऐसी कोई स्टेप लेंगे जिससे हमारे घर में जो है वो सुकून आ जाए. क्योंकि रमज़ान के महीने में बेचैनी बढ़ रही है लोगों की, रमज़ान के महीने में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है लोगों की. हम ये देखते हैं कि लोग जो है वो 1500-1500 रुपए पर हेड के इफ्तार में जाते हैं और एक आम आदमी फल जैसे अशिया भी नहीं ख़रीद पा रहा. कौन ज़िम्मेदार है इसका, इस पर क्या वजह है कि हम इस मेनेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे. माइन, आपने जैसे अभी ब्रेक में बताया मुझे कि आप सोच रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लेना बंद कर दें, तो क्या ये सोल्यूशन है? क्या आप अपने तौर पे इस चीज़ को कंट्रोल कर सकती हैं, प्राइस को इंडिविजुअली या कलेक्टिवली इसको करने की ज़रूरत है इस वक्त? और वो कलेक्टिवली प्रेशर ग्रुप कैसे बन सकता है? नहीं, कलेक्टिवली प्रेशर ग्रुप तो अगर मैं वही चीज़ आपसे डिस्कस करी थी कि अगर एक चीज़ पे प्राइस ज़्यादा हो जी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर अंडों में प्राइस ज़्यादा है जी, तो जी कलेक्टिवली हम अंडे लेना छोड़ सकते हैं. ठीक है, हम उसके कोई अल्टरनेट ढूंढ सकते हैं, मसाले कम कर सकते हैं. हाँ, मतलब ये कि जब जिसको कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो तो वो परचेस कर ले, अदरवाइज नहीं करे. ठीक है, अब अगर फ्रूट्स हैं तो उसमें हर फ्रूट की ही प्राइस ज़्यादा है, तो क्या मतलब अगर हम अपनी, हाँ अगर, लेकिन जो आपने एक सॉल्यूशन दिया था कि अगर हम अपनी डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ें रोज़ की रोज़ यानी डेली परचेस करें तो उससे शायद थोड़ा फ़र्क आ सकता है. मतलब चूँकि अगर हम बल्क में चीज़ें ले लेते हैं जो कि नॉर्मली लोग लेते हैं, ज़्यादातर लोग लेते हैं, और उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लो क्वालिटी की होती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ख़राब हो जाती हैं. या ये ज़रूर करें कि अगर कम अज़ कम ये ज़रूर करें कि अगर कोई चीज़ जो कि आपको लग रहा है मार्केट में कि वो बहुत लो क्वालिटी की आ रही है तो एटलीस्ट उसको ना खरीदें. सही, मतलब अगर कोई एक, जैसे कि बीच में आपने देखा था कि जो केलों की जो क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वर्स्ट क्वालिटी थी मेरे ख्याल है, तो अगर उसके बावजूद भी लोग ले रहे थे तो वो सप्लाई एंड डिमांड वाली बात. हाई प्राइस वो लोग ले रहे, मजबूर है, क्योंकि वो क्या करें. असल में प्रॉब्लम ये है कि हम जो है अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीद लेते हैं. जब ज़रूरत से ज़्यादा हम ख़रीदते हैं तो वो चीज़ें जो हैं वो वेस्ट होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब आप पेरिशेबल आइटम्स जब भी ख़रीदते हैं तो उसकी एक लाइफ होती है. Exactly. और वो उस लाइफ के बाद उसने ख़राब होना ही है. तो हम चूँकि ज़्यादा ख़रीदते हैं तो उसकी डिमांड ज़्यादा क्रिएट होती है. जब डिमांड ज़्यादा क्रिएट होती है तो डिमांड सप्लाई जो रूल है कि प्राइसेस डिमांड बढ़ने से बढ़ती हैं और डिमांड कम होने से कम होती हैं. ये एक बेसिक इकोनॉमिक रूल है. और ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में डिमांड चूँकि बहुत हाई हो जाती है तो प्राइसेस भी लोग उसी तरीके से हाई कर देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि सप्लाई जो है उनकी वो रुकनी नहीं है इस महीने में. अब आप ये देखें कि अगर हम नॉर्मली कंपेयर करते हैं बाहर के मुल्कों से, तो एक जनरल हमने एक रिवायत देखी है कि जब भी बाहर के किसी भी आप मुल्क में जाते हैं और उनके कोई स्पेशल ओकेजन्स होते हैं तो वहाँ पर प्राइसेस को अपनी नॉर्मल कॉस्ट से कम कर दिया चला जाता है, क्योंकि वो फेस्टिविटी का एक सीज़न होता है उनका. लाइक फॉर इंस्टेंस अगर आप अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पे क्रिसमस के टाइम पे या उनके किसी भी और ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम पे, ईस्टर के टाइम पे, वो प्राइसेस को
आधी कर देते हैं या प्राइसेस को कदरे कम कर देते हैं ताकि वो आदमी जो नहीं भी ख़रीद सकता है वो भी ख़रीदे। उससे होता ये है कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। वो कैसे जनरेट होती है कि जब एक आम आदमी जो ख़रीद नहीं पा रहा होता है वो भी ख़रीदने के लिए चला जाता है उन कम प्राइसेस के दरमियान में, तो उनकी सेल होना शुरू होती है। जब सेल होना शुरू होती है तो उनका स्टॉक जो है वो कम होता चला जाता है, इस तरीके से वो फ्रेश स्टॉक को ऑर्डर करते हैं, तो एक इकोनॉमिक साइकिल चल पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ इसके बिल्कुल बरक्स होता है, हम प्राइसेस को जो है 4 गुना कर देते हैं। स्टॉक तो हमारे यहाँ भी कम हो रहा है लेकिन इसमें एक गरीब आदमी पिस जाता है। बाहर के मुल्कों में ऐसा कम से कम नहीं होता, वहाँ पे एक गरीब आदमी उस इन ओकेजन्स की वेट में होता है कि कब सेल्स लगेंगी और कब जाके वो अपने स्टॉक्स को पूरा कर लेगा या अपने ज़रूरत की चीज़ों को इतना ले लेगा कि जब वो हाई प्राइस सीज़न होते हैं तो उसमें उसको फ़ायदा हो जाए। माइंड ऐसा क्या हमारे मुल्क में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बल्कि आप तो कह रहे हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ में उनके स्पेशल ओकेजन्स पे इस तरह होता है, फेस्टिवल्स पे। लेकिन अगर आप इंडिया में देखें, मतलब इंडिया तो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, उन्होंने भी लास्ट रमज़ान मैंने देखा था कि उन्होंने भी बताया था कि रमज़ानों के उस पर रमज़ानों में मतलब आपको इतने रुपए की रोटी मिलेगी और इतने रुपए की, उन्होंने भी प्राइजेस रिड्यूस कर दिए थे। तो क्या वजह है हम ये चीज अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, इसमें कौन रोक रहा है हमें करने से? क्योंकि हम लोग जो है ना वो वही बात है कि हम लोग हैं तो मुस्लिम, और मतलब हमारा माशाल्लाह ये ग्रैंड फेस्टिवल है रमजान का महीना जी, जी। और उसके बाद ईद, लेकिन हमारी जो मतलब हम लोग जो है ना अपनी बेसिक वैल्यूज से ही हट गए, तो वो मुझे लगता है कि जो एक हमारे अंदर जो एक वो चीज़ है शायद वही हमें मतलब रोक रही है कि अगर लाइक अगर हम किसी को फैसिलिटेट कर सकते हैं तो नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जैसे हमारे जो नॉर्मल जो फार्मर्स हैं जो कि इस चीज़ों को उगाते हैं, ठीक है, वो तो बेचारे हैं गरीब, ठीक है, इट मीन्स के जब वो चीज़ें जब वो आगे सेल करते हैं तो वो बहुत कम प्राइजेस पे उनसे परचेज की जाती हैं, तो ये प्राइस सेटअप किस लेवल पे होता है? देखिए जहाँ तक जो थोड़ी सी मेरी नॉलेज है, होता ये है कि एक फार्मर या जो ग्रोअर होता है उससे तो एक फिक्स प्राइस पे ले लिया जाता है, ठीक है, अब वो प्राइस पे लेकर जो उनसे खरीदता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जिसको आप मिल ओनर्स जो होते हैं, जो मिल ओनर्स हैं या फॉर दैट मैटर्स जो मार्केट तक उन चीज़ों को लेकर आते हैं, प्राइस बेसिकली वो लोग सेट करते हैं। तो हमें देखना ये है कि हम उनके ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर चीज़ की सपोर्ट प्राइस तय की हुई है कि फॉर इंस्टेंस एक ग्रोअर अगर आटा बेचेगा या वीट गंदम बेचेगा तो उसको ये प्राइस फी मन मिलनी है, तो है। वो तो उस प्राइस में बेच देता है। अब क्या वजह है कि वो हमारे तक पहुँचते पहुँचते उसकी प्राइस दुगनी हो जाती है, तो इसमें उन एलिमेंट्स को तलाश करना होगा, हमें उन एलिमेंट्स के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, और हमें एग्जांपल इसी तरीके से सेट करनी है कि अगर हमें इन प्राइसों की कीमतों प्राइसों को नीचे लेकर जाना है तो इन लोगों को हमें सज़ा देनी होगी जो ख़ास तौर पे इस महीने में भी मुनाफाखोरी करते हैं। हमें एग्जांपल सेट करनी पड़ेंगी और उन लोगों को पनिश करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं या उनके पीछे किसी का भी हाथ है, हमें उन लोगों को पनिश करना ज़रूरी है ताकि हम एक एग्जांपल सेट कर सकें। जब हम बड़े लोगों को सज़ा देंगे तो छोटे तो ऑटोमेटिकली उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो आता है वो उनके ऊपर डर और खौफ पहले ही बैठ जाएगा, और फिर वो, लेकिन ये भी तो है ना कि वो लोग फिर वो इन्फ्लेशन क्रिएट कर देते हैं मार्केट में। देखिए आप कब तक नहीं बेचेंगे अपनी चीज़ों को, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि पेरिशेबल आइटम्स हैं, कुछ अरसे में ख़राब होनी है, exactly. तो वो फोर्स हो जाएगा कि वो कम प्राइसों पे बेचे। सही। देखें अगर आप फलों की बात करती हैं तो फलों में जैसे केला है या सेब है या अमरूद है तो उसने कुछ अरसे के बाद खराब होना है। exactly. तो अगर हम हायर प्राइसेस को रिजिस्ट करेंगे तो होगा ये कि वो कम कीमत पे बेचने में मजबूर हो जाएगा, क्योंकि अदरवाइज या तो वो पूरा नुकसान कर ले या वो अपने मुनाफे को कम कर दे। सही तो है। एक कोई भी बिजनेसमैन जब होता है ना तो वो ये जरूर सोचता है कि यार मेरी पूरी कीमत खत्म हो जाएगी, इससे बेहतर है मैं मुनाफा ना लूं। आप ये देखिए कि वो चीजें जब कोई भी चीज आउट ऑफ सीजन हो रही होती है तो ग्रैंड सेल्स लग जाती है। हाँ। जब सर्दी खत्म हो रही होती है तो स्वेटर्स पे ग्रैंड सेल लग जाती है, ताकि वो उनका स्टॉक खत्म हो जाए, चाहे उस पर उनको वो कॉस्ट टू कॉस्ट भी बेचना पड़े वो बेच देते हैं। इसी तरीके से इन चीजों की कीमतें अगर हम एज जनरल एंड कॉमन मैन हम उसको रिजिस्ट कर दें, एक हफ्ता रिजिस्ट कर दें, आप देखेंगे सारी कीमतें खुद वक्त कम हो जाएंगी। हमें डिसीजन लेना होगा कि हम जो एक कॉमन मैन है या जो कंज्यूमर है वो एक हफ्ता इस चीज़ को फोरगो कर दें। सही। देखें प्रोडक्शन तो हो ही रही ना, माल तो आ ही रहा है। हाँ, exactly. माल तो आता ही रहा है, आ ही रहा है और इस महीने में भी आएगा। सही। तो अगर हम आज ये फैसला कर लें कि मैं और आप
या इस स्टूडियो में जितने लोग बैठे हैं, एक हफ्ते तक फल नहीं खरीदेंगे। सही है। और हम उन लोगों से भी कह दें जो हमारे जानने वाले हैं, जो प्रेशर ग्रुप की मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, अगर हम ये फैसला कर लें कि हम एक कम्युनिटी जो है वो एक हफ्ते तक फल नहीं खरीदेगी, फॉर इंस्टेंस क्लिफ्टन के कुछ एक ब्लॉक के लोग एक हफ्ते तक फल नहीं खरीदेंगे, तो वो फल वाला क्या करेगा? उस फल वाले को तो फल तो बेचना है, तो वो अगर आज बेच रहा है 100 रुपये या 150 रुपये डजन पे, और मैं और आप खरीदने नहीं जाएंगे, तो कल बुला बुला के बेचेगा कि भाई मेरा फल ख़राब हो रहा है, आप मुझसे 80 रुपये में ले जाओ, लेकिन मुझसे ले जाओ। लेकिन आप फिर भी अगर नहीं खरीदेंगे तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट बेचेगा, और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वो बिलो द कॉस्ट भी बेचेगा। तो हम और आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, हम और आप, हमारे अंदर बहुत ताकत है, उस ताकत को हमें अपने अंदर से निकालने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम जो है ऐसे स्टेप्स लें कि जिससे एक जो मुनाफा खोर है ना वो फोर्स हो जाए और वो प्रेशर में आ जाए। अभी तो हम प्रेशर में हैं क्योंकि हमें अपने घर वालों के लिए, हमें अपने बच्चों के लिए चाहिए फ्रूट, और रमज़ान में फ्रूट सबसे एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटी बन जाती है। लेकिन अगर हम ये आज फैसला कर लें कि हम एक हफ्ते तक फ्रूट नहीं खरीदेंगे कोई भी किस्म का, तो ये लोग घुटना टेकेंगे हमारे आगे, और ये तो कहते हैं ना कि हम बाय फोर्स उनको लेके आएंगे। मेरे ख्याल से शायद हम अगर ये आज फैसला कर लें तो इन लोगों को हम इनकी कमर तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। और मेरे ख्याल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो कुछ कोई कंप्लेंट सेल वगैरह बनाएं, ताकि लोगों को, अगर जैसे कि मतलब अगर हम जैसे लोग हैं, अगर मैं हूँ, अगर आई एम श्योर अगर कोई कंप्लेंट सेल होगा तो आई विल डेफिनेटली कॉल देम कि भाई यहाँ पे ये चीज़ उसमें बिक रही है, लेकिन उस पर फिर एक्शन भी हो, मतलब वो कंप्लेंट सेल हो और प्लस ये कि उस पर कोई एक्शन भी हो, बराए नाम ना हो, एग्जैक्टली। तो वो ये है कि उस पर कोई एक्शन भी हो, ताकि कम अज कम ये कि आप, और दूसरा ये कि अगर मेरे ख्याल से अगर एक महीना आप अच्छा काम करने की प्रैक्टिस कर लें, मतलब मैं एक जनरली बात कर रही हूँ, एक महीना, तो मे बी आपको, आप उस हैबिट को कंटिन्यू कर सकते हैं रमज़ान के बाद। और दूसरा ये है कि मतलब हो सकता है अगर एक महीना ये लोग भी, मतलब जो शॉपकीपर्स भी हैं ये भी नॉर्मली इस चीज़ की प्रैक्टिस को रखें, कि जो हमारे दूसरे जो भी हैं, मतलब हमारे जो भाई हैं मुस्लिम्स, हम अगर उनको थोड़ा सा रिलीफ दें इन टर्म ऑफ दीज, मतलब नॉर्मल रूटीन जो चीज़ें हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो मेरे ख्याल से अगर वो एक महीना ही, मतलब जो है ना वो अपनी जो तिजारत का जो है वो, मतलब जैसे आपने बताया था कि जो बेस्ट बिजनेस मैन है उज़ैर असलम को वो बहुत पसंद है, तो अगर वो बेस्ट बिजनेस मैन, ऑनेस्ट बिजनेस मैन बनने की कोशिश करे, तो शायद हो सकता है कि ये हैबिट फिर उसको इतनी अच्छी लगे कि वो उसको डिसकंटिन्यू ही नहीं कर सके रमज़ान के बाद। देखिए, स्पिरिट ऑफ रमज़ान की बात हो रही है तो मैं आपको बताऊँ कि जैसे हर आदमी के साथ एक शैतान काम कर रहा होता, बिल्कुल वो उसको फोर्स कर रहा होता है कि वो अच्छा काम ना करे, लेकिन अगर एक इंसान जो है वो तहिया कर ले कि मैंने ये काम करना है, तो एक अरसे बाद वो शैतान जो है ना हिम्मत हार जाता है, फिर वो दूसरी किस्म की चीज़ों पे आता है। तो अगर हम यही फैसला कर लें, लाइक फॉर इंस्टेंस हम सारी वक्त की नमाज़ें पढ़ेंगे, फजर की नमाज़ नहीं पढ़ते, तो वो क्योंकि शैतान हमें बहका रहा होता है। लेकिन हम अगर 40 दिन तक वो फजर की नमाज़ पढ़ लें तो फिर वो शैतान उसको बहकाना बंद कर देता है। तो हमारे पास तो 30 दिन रमज़ान के महीने, रमज़ान का जो महीना है वो 30 दिन तो हमारे पास होते हैं। अगर हम उसमें ऑनेस्टली काम करें तो हम एक अच्छे बिजनेसमैन के अलावा एक अच्छे मुसलमान होने का भी सबूत दे सकते हैं, और हम उससे जो है एक आम आदमी को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जो मतलब हमारे जितने भी पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, ये सब हमारी पावर हैं, पाकिस्तान की पावर हैं, पाकिस्तान की यूथ जो है ये हमारी लाइक मतलब यही एक्चुअली हमारी फोर्स है, ठीक है। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, इनका हेल्थ वाइज अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है, इनका मेंटली अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है, मेंटल एंड फिजिकल बोथ द थिंग्स, राइट। तो फिजिकली तो हम जो है इनको बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ दे के कर सकते हैं, लेकिन और मेंटली जो है वो इनको पीस ऑफ माइंड दे के कर सकते हैं। तो मैं ये समझती हूँ गवर्नमेंट को चाहिए कि मतलब आपकी जो वर्क फोर्स है, जो आपके सिटीजन्स हैं, आप एटलीस्ट उनके लिए काम करें और कोशिश करें कि उनको फिज़िकली और मेंटली आप जिस हद तक स्टेबल कर सकते हैं, ताकि ये लोग जितना अच्छा काम करेंगे आपका मुल्क में उतना ही इकोनॉमिकली रेवेन्यू आएगा, और एक वीक और एक डल पर्सन, एक फ्रस्ट्रेटेड पर्सन जो है वो कोई काम नहीं कर सकता है। खुश सेहतमंद इंसान जो है जितना अच्छा काम कर सकता है, आई डोंट थिंक सो के कर सकता है एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान। थैंक यू वेरी मच, आप यू हैव बीन वेरी वोकल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड मैं यहाँ पे इसको इसी तरीके से रैप करूँगा कि हेल्दी बॉडी मेक्स हेल्दी माइंड्स। आप अगर जो है इस
महीने की स्पिरिट को अगर समझना चाहते हैं तो सिर्फ ये सोचिए कि अगर हम दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे किसी भी तौर पे, तो क्या परवरदिगार हमसे खुश होगा। हमें सोचने की ज़रूरत है, हो ये रहा है कि आप अपने फ़ायदे की वजह से, अपने थोड़े से फ़ायदे की वजह से किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं और परवरदिगार इससे हमसे नाराज़ हो रहा है और इसी वजह से हम पे ये जो मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं वो यही है कि हम अपने आमाल की वजह से ही हम परेशान हो रहे हैं। अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें कि हमारी परचेजिंग इकोनॉमिक टर्म्स में अगर हम देखें, क्योंकि हम इकोनॉमिक व्यूज प्रोग्राम इकनॉमी पे कर रहे हैं, हमारे पास इकनॉमी हमारी दिन ब दिन गिरती चली जा रही है, हमारे पास हमारी इंडस्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं, तो हम तो वैसे ही पिसते चले जा रहे हैं दोनों तरीके से। तो अगर जब हमारे पास काम नहीं है या हमारे पास परचेजिंग पावर नहीं है और उस पर अगर ये हाई प्राइसेस हो जाएंगी तो एक आम आदमी तो मर जाएगा। हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें इस महीने में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। आप इसमें हमारी किस तरह से मदद कर सकते हैं, अपना प्रॉपर सपोर्ट दीजिए। और जो हमने बात की, माहीन ने भी जो बात की कि हमें प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट करने की ज़रूरत है और हमें ये फैसला करने की ज़रूरत है कि इन मुनाफाखोरों को हम खुद से, चूँकि गवर्नमेंट तो इस वक्त हमारे साथ नहीं है, तो जब गवर्नमेंट साथ नहीं होती तो इंसान को फिर अपनी मदद आप करनी पड़ती है। तो हम जो, जैसे हम कहते हैं कि 63% या 50% भी हमारे पास यूथ है, तो अगर आज वो यूथ फैसला कर लेगी तो हम बहुत सारी चीज़ों को खुद से सही कर सकते हैं। हमें अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। 24/7 ऑनलाइन से ज़ीशान मर्चेंट को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।